हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की करंट प्राइस की बात करेंगे तो 2560 की करंट प्राइस चल रही है। आज दिन में स्टॉक में लगभग 9.5% की शानदार तेजी यहां पे देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों, जनवरी मंथ से स्टॉक में कंटिन्यूअसली फॉल देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली। अभी देखिए यहां पे स्टॉक एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आ चुका है, क्योंकि पहले भी इसी लेवल पे आने के बाद मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। अभी फिर से एग्जैक्टली यहीं से हमें पिछले 2 दिन से स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। यही तेजी हमें अपसाइड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है इस मेजर सपोर्ट जोन के वजह से। आप सपोर्ट जोन में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2030 से लेके ऑलमोस्ट 2020 का ये सपोर्ट जोन आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। अगर स्टॉक यहां से बाउंस करता है तो इमीडिएट ऊपर के साइड में आपको 2700 से लेके 2800 के लेवल देखने को मिलेंगे। यहां से ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो 3100-3200 के लेवल भी देखने को जल्द ही मिल जाएंगे। अगर यहां से भी ऊपर ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी अच्छी तेजी अगेन स्टॉक में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। और साथ साथ में अगर हम MACD इंडिकेटर की बात करते हैं तो MACD इंडिकेटर में भी बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। 0 लाइन के ऊपर ग्रीन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मजबूती का सिग्नल दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही है स्टॉक में यहाँ से बाउंस हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे की सारी डिटेल आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब चलते हैं टिकर टिप वेबसाइट पे। दोस्तों अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अप स्टॉक्स की, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पिछले 1 साल में 32% के रिटर्न देखने को मिले हैं, और आज के अगर हम मिलाएंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 42% के रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्कोर कार्ड की। परफॉर्मेंस लो, वैल्यूएशन हाई देखने को मिल रहा है, ग्रोथ एवरेज देखने को मिल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब एंट्री पॉइंट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक अंडर प्राइसड भी है, ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहने वाली है दोस्तों यहां से एंट्री लेने की एज पर डिक्लेरेटिव वेबसाइट। और अनदर मेन इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री का प्लान करते हैं, एक बार जरूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। अगर कोई स्टॉक में रेड फ्लैग दिखाई देता है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर होता है। स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 21,096 CR का देखने को मिलता है। स्टॉक में हमें हाई रिस्क देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की। एनालिस्ट हमें क्या सलाह देते हैं बाइंग की। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, 6 एनालिस्ट हमें 83% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सलाह, हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसके जल्दी जल्दी स्टॉक में काफ़ी अच्छा बाउंस हमें देखने को मिल जाएगा। अब PS की बात करेंगे तो IIFL, ICICI सिक्योरिटीज, 361 लिमिटेड के साथ में इसका जो है कंपैरिजन हो जाता है। प्राइस कंपैरिजन में भी अगर आप देखेंगे, एंजल वन ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे ऑलमोस्ट अगस्त 2023 में। फिर स्टॉक में हमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, उसके बाद अभी स्टॉक बहुत ही बढ़िया लेवल पे आके कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।